हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मेरे पास काफ़ी टाइम से बहुत सारे मैसेज एंड कॉल आ रहे थे कि सर कुछ ना कुछ ऑनलाइन भी आप स्टार्ट करें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लेके आएं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली और मेरे जितने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट होने वाला है। RD क्लासेस अब ऑनलाइन पे भी लगभग लगभग सारा मटेरियल, सारे टॉपिक्स विद बेसिक क्लियर के साथ डालने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। इसके अंदर आपके 8, 9, 10, +1 एंड +2 पांचों क्लासेस के, मैथमेटिक्स के, CBSE बोर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। फिलहाल जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी, जो कोर्सेज फिलहाल लेके आ रहे हैं, जैसे 12th क्लास के लिए, अभी आप जानते हैं कि सितंबर एग्ज़ाम भी आपके आ रहे होंगे, तो सभी बच्चे सितंबर एग्ज़ाम में बिज़ी हैं, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे +2 क्लास की अगर बात करूँ, तो +2 क्लास में हम प्रीवियस 10 ईयर CBSE क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ऑनलाइन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे को प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन करने हों, क्वेश्चन पेपर करने हैं, एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा बेटा, और उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा कि फॉर्मूला लगा है, क्यों लगा है, ऐसे ही क्यों करना है, या जो भी आपको बोर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखने का मतलब राइट वे क्या है। कि मैक्सिमम बच्चे होते हैं नॉलेज होती है बट वही शॉर्ट तरीके शॉर्ट कर देते हैं, तो बोर्ड्स में होती है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, तो वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। इसी तरह से 12th क्लास के पिछले 10 ईयर के सैम्पल पेपर हो गए। उसके बाद बेटा हम चलेंगे 11th क्लास पे। 11th क्लास में जो नॉन बोर्ड्स क्लासेज हैं उनके लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, उनके लिए बेस्ट 5 क्वेश्चन सीरीज ऑन एवरी टॉपिक। क्या है, बोर्ड्स में तो एक फिक्स पैटर्न होता है, अगर देखा जाए 10th और 12th की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स का एक फिक्स पैटर्न है कि हाँ इस टॉपिक से इतना डालना है, इस टॉपिक से इतना इतने मार्क्स का आएगा। ब्लूप्रिंट भी आ जाते हैं हमारे, सैम्पल पेपर भी आ जाते हैं, लगभग आइडिया हो जाता है। बट स्कूल्स का आपको पता ही है बच्चों कि हर स्कूल में अलग अलग टीचर है, किसी भी टाइप के इवन चैप्टर भी सेम नहीं होते हैं सेप्टेम्बर में। तो इसलिए हम सेप्टेम्बर के लिए 11th क्लास और नॉन बोर्ड क्लास जो भी 9th एंड 8th क्लास के लिए बेस्ट 5 क्वेश्चन सीरीज ऑन एवरी टॉपिक लेके आए हैं। इसमें हर एक टॉपिक लिया जाएगा बेटा आपका, और हर टॉपिक पे जो बेस्ट 5 क्वेश्चन बनेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में सितंबर एग्ज़ाम में टीचर मोस्टली डालते हैं, वो सभी क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे हम कवर करेंगे। बेस्ट 5 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें कोई भी, जैसे मान लीजिए रैशनलाइज उठा लिया, +1 की बात करूं तो मैं बेटा ये बोलूं कि सेट्स ले लिया हमने। सेट के अंदर आपको पता है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं थोड़ा बहुत, और पावर सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिलेशन फंक्शन की अगर बात करें तो डोमेन और रेंज, ये ऐसे दो टॉपिक है कि कोई भी टीचर अगर सेप्टेम्बर का एग्ज़ाम सेट करेगा और सेकेंड चैप्टर अगर सिलेबस में है तो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन 100% डालता ही डालता है। इसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्पेसिफिक कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन डाले ही डाले जाते हैं। जैसे आपने NCERT का देखा होगा, NCERT में 3.3 के लास्ट 4 एंड 5 क्वेश्चन हैं, उनसे कभी ना कभी टीचर डालता ही डालता है क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो कभी लास्ट के 2 हो गए, cos 6x, tangent 2x, tangent 4x वाले हो गए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जहाँ पे आयोटा कॉन्जुगेट निकालना हो गया, ठीक है, पोलर फॉर्म होगी। पोलर फॉर्म CBSE ने लास्ट ईयर डिडक्ट कर दी थी कोविड के चक्कर में, ठीक है, इस साल अगर है तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा कि और जैसे AP हो गया, AP भी कई बच्चों के आ रहा है, एंड सीक्वेंस सीरीज, और इसके साथ परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी सितंबर के सिलेबस में है, तो इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, साथ में इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक भी हम कवर करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बोर्ड क्लासेस की बात करूं, बोर्ड क्लासेस में फिर 10th क्लास बोर्ड क्लास आती है, इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व करवाएंगे, और प्रॉपर लिखने के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि बोर्ड्स में आपको कैसे लिख के आना है। एक एक पेपर उठाया जाएगा बेटा आपका, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन की एक ही वीडियो बनाई जाएगी, तो उसमें हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हर क्वेश्चन के पीछे का बेसिक्स देखा जाएगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे, कैसे लग रहा है, इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। इवन आप ये कह लो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम डिस्कस नहीं होंगे, उन एग्जाम में जो
कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 10 अगर सैंपल पेपर हम 10 क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल मेरे पास कलेक्टेड सारे पड़े हैं बेटा लास्ट 10 ईयर के, तो वो सारे अगर हम कर लेते हैं अच्छे से और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चों मोस्टली आपका लगभग लगभग टॉपिक पे पूरी पकड़ हो जाएगी। और बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट आप पिछले 10 साल के उठा के देखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो लेवलिंग का पता लग जाता है आपको कि किस लेवल के किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं आपके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें हम नाइन्थ क्लास की, नाइन्थ क्लास वही पैटर्न रहेगा जैसा कि इलेवंथ क्लास का पैटर्न है कि बेस्ट 5 क्वेश्चन सीरीज एक बार स्टार्ट करेंगे बेटा ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो स्टार्टिंग से हम रेशनलाइजेशन से लेके चले एक्सपोनेंट एंड पावर का जो टॉपिक है या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ के लिए। सेकंड में आए तो पॉलिनोमियल्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बेस्ट 5 क्वेश्चन इनके हर एक टॉपिक पे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ट 5, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ट 5, ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा वो सारे करवाए जाएंगे, उसके बाद लाइंस एंगल्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेंसी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट फेमस क्वेश्चन जिनमें बच्चों को सोचना भी पड़े और मैक्सिमम टीचर जिनको एग्ज़ाम में देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जब मैं देखता हूँ सेप्टेम्बर में, अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं मोस्टली इस आर के सभी स्कूल्स कवर हो जाते हैं, तो उनमें अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हर साल टीचर डालता ही डालता है, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं और उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे जिससे टॉपिक आपका नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम एट्थ क्लास की, तो एट्थ क्लास में भी सेम लेके चलेंगे बेसिक टॉपिक्स, ठीक है, 5 क्वेश्चन की सीरीज, हर एक वीडियो में सिर्फ बेस्ट 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर उससे ज़्यादा बनते हैं तो उसकी सेकंड वीडियो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एट्थ क्लास में भी हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर है एंड ऑल जितना भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद हमारा आ जाता है डाटा हैंडलिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर जो कि है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 12, बट क्या है कि वो काफ़ी बच्चों के फर्स्ट टर्म में इंक्लूड है, ठीक है, सितंबर में, तो उनसे रिलेटेड भी हम बेस्ट 5 क्वेश्चन, अगर ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं बेस्ट तो हम उनको पीस वाइज अलग अलग 5-5 क्वेश्चन की सीरीज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा मटेरियल सारा का सारा आपको फ्री प्रोवाइड होगा बच्चों यूट्यूब पे, आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और सभी ये जितना जल्दी हो जाए विद इन 1 and 2 days आपकी वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी अलग अलग क्लास वाइज। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, और जितना हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से मैं उतनी ज़रूर करूँगा, फिर भी आपको किसी को कोई और पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक से डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, या इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उनकी भी एक वीडियो बना दूंगा। और धीरे धीरे करके हम अपने चैनल पे लगभग सारे के सारे टॉपिक्स मैथ से रिलेटेड 8 to 12 क्लास के फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाले हैं, उनकी PDF नोट सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।